नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जीएस काइट स्टडी सेंटर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम जो है वो हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर कर रहे हैं, साथ ही साथ इंडिया के करंट अफेयर भी डिस्कस किए जाते हैं, और इसके साथ जो है वो केस स्टडी भी इसी चैनल पर डिस्कस की जाती है। आज जो है वो हिमाचल प्रदेश के अगस्त मंथ के करंट अफेयर्स हम करने जा रहे हैं। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन, एंड द क्वेश्चन इज 76वीं स्वतंत्रता दिवस पर हिमाचल के कितने पुलिस अधिकारियों को राष्ट्रपति पुलिस सम्मान से नवाजा गया है? ऑप्शन है एक, दो, तीन या चार। तो जो 76वां स्वतंत्रता दिवस हुआ है, उसमें हिमाचल प्रदेश के टोटल जो है वो चार पुलिस कर्मियों को जो है वो राष्ट्रपति पुलिस सम्मान से नवाजा गया है। हिमाचल प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना से कितने परिवार लाभान्वित हुए हैं? तो आपको बताना है कि टोटल कितने परिवार से जो है वो लाभान्वित हुए हैं। 3.34 लाख, 2.24 लाख, 1.1 लाख या फिर 3.12 लाख। तो देखो, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, 3.34 लाख परिवार जो है वो मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना से जो है वो हिमाचल प्रदेश में लाभान्वित हुए हैं। रेहली मेला हिमाचल प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है? न्यूज में था, एग्जाम में आने की पूरी पूरी संभावना है। सो आप कमेंट करिए कि ये जो है वो कौन से जिले में मनाया गया है, कुल्लू, शिमला, कांगड़ा या मंडी। तो जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे ठियोग लिखा हुआ है मैंने, तो ये जो है वो ठियोग में मनाया गया। और ठियोग आपका कहाँ है? तो ठियोग जो है आपका डिस्ट्रिक्ट शिमला में पड़ता है। हाल ही में कितने विधानसभा क्षेत्रों के लिए मुख्यमंत्री मोबाइल क्लीनिंग वाहन सेवा शुरू की गई है? 6, 7, 8 या 10। तो हाल ही में जो है वो मुख्यमंत्री मोबाइल क्लीनिंग वाहन सेवा जो है ये आपके टोटल 10 जो विधानसभा क्षेत्र है वहां पे इनको शुरू किया गया है। देश भर में जल संरक्षण को लेकर शुरू किए गए अमृत सरोवर अभियान में हिमाचल का कौन सा जिला प्रथम आया? सिरमौर, कुल्लू, शिमला या मंडी। तो जो अभी जल संरक्षण के लिए अमृत सरोवर अभियान जो था, जो हिमाचल प्रदेश में शुरू किया गया था, तो इसमें जो प्रथम स्थान लिया है वो आपके डिस्ट्रिक्ट सिरमौर ने लिया है। हाल ही में हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम ने कौन सा स्थापना दिवस मनाया? 10वां, 40वां, 50वां या फिर 70वां। तो हाल ही में जो पर्यटन विकास निगम था, उसने जो है अपना 50वां स्थापना दिवस जो है वो उसे मनाया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, 50वां। हिमाचल प्रदेश सरकार की योजना मुख्यमंत्री शोध प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत शोधार्थियों को कितनी छात्रवृत्ति मिलती है? ये जो छात्रवृत्ति की बात करी गई है यहाँ पे, ये सालाना छात्रवृत्ति की बात करी गई है कि साल में जो है वो कितनी, मतलब जो 1 ईयर है उसमें जो है वो कितनी छात्रवृत्ति जो है वो इन शोधार्थियों को दी जाएगी। तो इसमें इन्होंने दिया है 36,000 रुपीज, 30,000 रुपीज, 40,000 रुपीज या फिर 50,000 रुपीज। अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो इसमें जो है वो आपका जो है ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है, 36,000 रुपीज। अगर मैं बात करूं तो आपकी जो भी स्कीम्स हैं वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि स्कीम से ज्यादा क्वेश्चन जो है वो पुट किए जाते हैं। नेक्स्ट है, अंतरराष्ट्रीय वेट लिफ्टर विकास ठाकुर ने कॉमनवेल्थ गेम में कौन सा पदक जीता है? हाल ही में ये नाम जो था वो काफी न्यूज में फेमस था, क्योंकि ये एक तो हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करते हैं और ये जो है एक इंटरनेशनल लेवल की जो वेट लिफ्टर प्रतियोगिता थी उसमें गए थे, तो इन्होंने जो है वो रजत पदक जो है वो जीता है। तो इसके साथ आपका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज टांडा ने पूरे देश के सरकारी मेडिकल कॉलेज में कौन सा स्थान हासिल किया है? तो देखो, मेडिकल कॉलेज टांडा जो है, इसके बारे में आप मुझे बताएंगे कि ये कहाँ है, मतलब हिमाचल प्रदेश की कौन से डिस्ट्रिक्ट में है। और साथ ही इन्होंने पूछा है कि इसने जो है वो पूरे देश में कौन सा स्थान लिया है। तो ऑप्शन इन्होंने दिया है 10वां, 11वां, 12वां या फिर 13वां।
अगर हम पूरे देश की बात करें तो इसने जो है वो 13वां स्थान हासिल किया है, तो इसके साथ जो है वो आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट है, लोगों की ज्यादा औसत आयु वाली राज्यों में हिमाचल का कौन सा स्थान है, मतलब हिमाचल प्रदेश जो है वो कौन से स्थान पे रहा है जिसमें कि लोगों की जो औसत आयु है वो ज्यादा होती है। तो फर्स्ट पे है इन्होंने पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा, तो आपको बताना है कि कौन सा स्थान लिया है। तो अगर हम हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश ने जो है वो चौथा स्थान लिया है, मतलब चौथे स्थान में आता है कि औसतन आयु जो है यहाँ के लोगों की कितनी है, ठीक है, या फिर ज्यादा है बात करें तो इसके साथ जो है आपका ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट है आपके करंट अफेयर्स ऑफ इंडिया, ये मैंने इसी क्लास में इसलिए डाल दिए हैं क्योंकि आपकी जो है वो अलग से करंट अफेयर की क्लास इंडिया की नहीं आई है, सो ये इसी मंथ के करंट अफेयर है जो मैं आपको बताने वाली हूँ, और ये काफी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, वन लाइनर करंट अफेयर है, तो प्लीज इनको ध्यान से देखिएगा, ऑल क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, 15वां एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट कहाँ शुरू हुआ, तो ये जो है वो आपका संयुक्त अरब अमीरात में शुरू हुआ, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें कि स्पेस में बाहर से 33 मिलियन लोग प्रभावित हुए हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका पाकिस्तान। पाकिस्तान में जो है वो टोटल 33 मिलियन लोग जो है वो प्रभावित हुए हैं, और यहाँ पे बहुत ज्यादा जो है आपने देखा होगा कि बहुत ज्यादा जो है वो बाढ़ आ गई है, ऐसा कहा जा रहा है कि इसका 1/3 पार्ट जो है वो पानी में डूब गया है, ठीक है। नेक्स्ट है, पीएम मोदी ने किस राज्य में अटल पुल का उद्घाटन किया, तो इन्होंने जो है वो गुजरात में इसका उद्घाटन किया। नेक्स्ट है, भारत का सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला किसे घोषित किया गया है, तो हरिद्वार जो है वो सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला है पूरे इंडिया का। नेक्स्ट है, हाल ही में किस निजी दूरसंचार क्षेत्र की कंपनी ने जल्द ही दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में बहुप्रतीक्षित 5G सेवा की शुरुआत करने की घोषणा की है, तो आपको पता है ये जो है आपका जियो ने अभी जो है वो अनाउंसमेंट किया है। हाइड्रोजन ट्रेन शुरू करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है, तो जर्मनी। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि हाइड्रोजन ट्रेन जो है वो अभी अभी जो है ये काफी खबरों में रही है, और उसको जो है वो फर्स्ट टाइम जो लॉन्च किया है दैट इज लॉन्च्ड बाय जर्मनी। भारत में किस दिन को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है आपका 29 अगस्त। परमाणु परीक्षण के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो ये भी आपका 29 अगस्त को ही मनाया जाता है। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारत के लिए पहला पदक किसने जीता, तो पहला पदक जो था वो आपका सात्विक और जो चिराग है उन्होंने विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारत के लिए फर्स्ट पदक जीता था, और मुझे ये बताएंगे कि ये पदक कौन सा था, ठीक है, कमेंट करेंगे कि ये पदक कौन सा था। किस नेता की पुण्यतिथि पर न्यू इंडिया पुस्तक का विमोचन किया गया, तो ये जो अरुण जेटली हैं आपके उनके जो पुण्यतिथि थे उन पर जो है वो न्यू इंडिया पुस्तक का विमोचन किया गया। किस भारतीय क्रिकेटर ने हाल ही में खेल के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है, तो उन जो पूरी तरह से संन्यास लिया है वो लिया है आपके राहुल शर्मा ने। भारत ने किस वर्ष तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करने की घोषणा की है, तो ये जो है वो करी हुई है आपके 2070 तक। किस भारतीय खिलाड़ी ने लुसाने डायमंड लीग का खिताब जीता है, देखो लुसाने डायमंड लीग की अगर बात करें तो इसमें जो है वो भारतीय खिलाड़ी ने जो खिताब जीता है वो है आपके नीरज चोपड़ा, गोल्डन बॉय ऑफ इंडिया, ठीक है। किसे 31वें GD विडला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो ये है आपके प्रोफेसर नारायण प्रधान। फीफा ने किस देश के फुटबॉल महासंघ से प्रतिबंध को हटाया, तो इंडिया जो है इससे इन्होंने जो महासंघ से जो फुटबॉल महासंघ में जो प्रतिबंध लगा था उसे इंडिया से हटा दिया गया है। किस राज्य में टोमेटो फ्लू नामक वायरस का पहला मामला पाया गया है, तो ये जो है वो केरल है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। किसे 31वें व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है, तो ये है आपके डॉक्टर असगर वजाहत,
ठीक है, किसे 31वें सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया? तो ये है आपके रामदरस मिश्रा। कंफ्यूज नहीं होना है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, फिर आंसर करना है। ओके, भारतीय सेना ने पाकिस्तान चीन बॉर्डर पर किस टैंक को तैनात करने की घोषणा की है? तो वो है आपका जोरावर। ठीक है, किसने अबू धाबी मास्टर शतरंज टूर्नामेंट जीता? तो ये जीता है अर्जुन एरिगेसी ने। किसके उपन्यास प्रमेय के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022 जीता? तो ये जीता है भगवंत अनमोल ने। किस कंपनी ने टाइटन शौर्य पहल की शुरुआत की? तो टाइटन कंपनी ने। इजी है लर्न करने के लिए, टाइटन शौर्य से आप लर्न कर सकते हैं, टाइटन कंपनी। गूगल ने किस देश में 1 लाख डेवलपर्स के लिए एक कार्यक्रम की घोषणा की? तो ये है आपका प्यारा भारत। भारत के 49वें CJI के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अभी हैं फिलहाल में, वो बने हैं आपके यूयू ललित, इन्हें जो है वो चुना गया है। एशिया कप 2022 की शुरुआत कब की जाएगी? तो 27 अगस्त से जो है वो एशिया कप शुरू होने वाले हैं। किस शहर में भारत का पहला 3D पोस्ट ऑफिस बनाया गया है? तो 3D पोस्ट ऑफिस जो है वो आपके बेंगलुरु में बना है। ठीक है, DRDO के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो समीर वी कामत, क्या नाम है? समीर बी कामत। IMF ने भारत के कार्यकारी निर्देशक कौन बने हैं? तो वो बने हैं KV सुब्रमण्यम। किस 12 वर्षीय पायलट ने दुनिया भर में एकल उड़ान का रिकॉर्ड बनाया? ये है आपके मेक रदरफोर्ड। किस देश ने उष्णकटिबंधीय तूफान मा आन ने दस्तक दी? तो मा आन जो था आपका फिलीपींस में आया था, काफी ज्यादा न्यूज में था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। भारत की सांस्कृतिक विरासत की रक्षा हेतु तो यूनेस्को ने किसके साथ समझौता किया? तो ये जो है आपका रॉयल एनफील्ड के साथ जो है वो यूनेस्को ने समझौता किया है। किस राज्य में अनंगताल को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया? तो ये जो है आपका दिल्ली में है। ठीक है, INS विक्रांत को भारतीय नौसेना में कब शामिल किया जाएगा? तो 2 सितंबर जो है, 2 सितंबर को जो है वो INS विक्रांत को जो है वो भारतीय नौसेना में शामिल कर लिया गया है। एशिया कप 2022 के लिए अंतरिम मुख्य कोच कौन बने? तो वो है आपके VVS लक्ष्मण। केंद्र सरकार ने दिल्ली समेत कितने एम्स का नाम बदला? तो टोटल जो है वो 23 एम्स जो थे वो उनके नाम जो है वो हाल ही में बदल दिए गए हैं। भारत ने किस नृत्य को यूनेस्को की सूची में शामिल किया? तो गरमा जो है इसे यूनेस्को की सूची में अभी हाल ही में शामिल किया है। और आप बताइए कि गरमा जो है वो कहाँ का लोक नृत्य है, कमेंट करके। किस संगठन ने नौसेना के लिए VLSRSAM मिसाइल का परीक्षण किया है? तो ये जो है आपके DRDO ने किया। ब्रिटेन देश में भारत के अगले उच्चायुक्त के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है विक्रम दोराईस्वामी। अमित शाह की अध्यक्षता में 23वीं केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की बैठक कहाँ आयोजित कराई गई? तो ये भोपाल में। किस कंपनी ने NDTV में 18% की हिस्सेदारी खरीदी है? तो जो अदानी ग्रुप है उसने जो है वो NDTV में 18% की हिस्सेदारी खरीद ली है। नरेंद्र मोदी ने किस जिले में अमृता हॉस्पिटल का उद्घाटन किया? फरीदाबाद में जो है आपका अमृता हॉस्पिटल का उद्घाटन हुआ है। क्रेडिट सुइस ने नए CFO के पद पर किसे नियुक्त किया? तो ये है आपके दीक्षित जोशी। सुरक्षा बल के महानिरीक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? प्रवीण छाबड़ा को। U18 जो मतलब अंडर 18 जो चैंपियनशिप में भारतीय पुरुष वॉलीबॉल टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो इसमें जो है वो कांस्य पदक जीता है। सिल्क मार्ग एक्सपो का उद्घाटन कहाँ किया जा रहा है? ये नई दिल्ली में किया जा रहा है। किस देश ने नई प्रधानमंत्री कर्नल अब्दुल्लाए माइगा बने? ठीक है, तो ये जो है वो माली के नए प्रधानमंत्री बने हैं, कर्नल अब्दुल्लाए माइगा। इलस्ट्रेटेड रिपोर्टिंग में 2022 का पुलित्जर पुरस्कार किसने जीता? तो ये है आपके फहमीदा
अजीम। और पुलित्जर पुरस्कार आपको पता ही है, ये जो है वो जर्नलिस्ट और जो मतलब रिपोर्टिंग के क्षेत्र में इसको दिया जाता है। ठीक है, एससीओ रक्षा मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की जाएगी? तो ये ताशकंद में होगी। सो गाइस, ये थे आपके क्वेश्चन। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। और ये जो इंडिया के करंट अफेयर के क्वेश्चंस हैं, ये एक बार मैं आपको फिर डिटेल में करवाऊंगी। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।